नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सहिता कुमार और आप देखें एसएम न्यूज। आज हम हैं बाग दीवार फतेहपुरी चांदनी चौक पर। हमारे साथ है आरएस गौतम जी, जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं और हमेशा बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और बुद्ध की धरोहर कब तक वापस आएगी? देखिए, ये जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा बाग दीवार स्थित है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में लगाई थी, लेकिन इसका जो बिल्कुल उसका वो नहीं किया, उद्धार नहीं किया गया आज तक। तो हमने सोचा है कि इसका जो बाग दीवार है, स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में किया था, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा जो उद्देश्य है, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसारित करने का, बौद्ध धर्म को उसका विकास करने का, क्योंकि बौद्ध धर्म के बिना ये संसार में उचित कार्य नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म ही है जो हमें विनाशकारी उससे बचा सकता है, जो आजकल बारूद के ढेर पर संसार खड़ा है। अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर चलेंगे तो हम उसको युद्ध के विनाश को बचा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा के लिए हम धर्म प्रचार करें। आज का जो ऐतिहासिक महत्व है, अशोक विजय दशमी के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसको हिंदू धर्म में दशहरे के नाम से कहते हैं। एक्चुअली ये जो पर्व है, ये भगवान बुद्ध ने 628 ईसा पूर्व में बोधगया के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 वर्षों तक इस भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तत्पश्चात हमारे सम्राट अशोक, जो बौद्ध सम्राट हुए हैं, उन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को इसी अशोक विजय दशमी के दिन ग्रहण किया था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसी अशोक विजय दशमी के दिन नागपुर की पावन दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया सका। तो आज का जो दिन है, पर्व है, जो हमारे बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बौद्धों के पर्व के साथ साथ, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे पर्व हैं, संसारी आजकल बौद्ध धर्म के ऊपर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म के जो शील हैं, पंचशील हैं, वो हर प्राणी के लिए लागू होते हैं। जैसे पाना तपति वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, अर्थात मैं प्राणी मात्र की अकारण हत्या नहीं करूँगा। अग्नि दाना वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, अर्थात बिना दिए मैं किसी की चीज़ को नहीं लूँगा, चोरी नहीं, इत्यादि नहीं। कामे से मुझा जा रहा वेरमणि सिक्का पदम समाधि, अर्थात मैं अहंकार नहीं करूँगा। चौथा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस वजह से ये जो पंचशील हैं, और मैं नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, ये हर प्राणी के लिए लागू होता है। आज भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की आज विकास हुआ, यहाँ से बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, और जो कहते हैं ना, एक तरंगे जो चक्र का वो था विभव, जो चक्र घूमा है वो बौद्ध धर्म की धरती से ही चक्र घूम को घुमाया। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में जहाँ पर बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था, बौद्ध धर्म का 13वीं शताब्दी के अंत तक इसका समापन हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही इस बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया गया है, और हमारी संस्थाएँ जितनी भी हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध महासभा हो, चाहे भारतीय महात्मा हो, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, सबका कार्य एक ही है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जो ये आडंबर हैं, इन आडंबरों को ख़त्म करना, क्योंकि आडंबर के ऊपर इस भारतवर्ष में बहुत ही बिछड़ा हुआ है। आडंबर खत्म होंगे तो हमारा विकास होगा, विकास होगा तो हम बहुत ऊँचाइयों पर जाएंगे। जापान देख लीजिए, जापान का उदाहरण है, एक बौद्ध कंट्री है, कितना विकास कर रहा है, और कोई आडंबर नहीं है। इसी तरह हमारे देश में हम चाहते हैं कि ये आडंबर मुक्त हो और बौद्ध धर्म की तरफ आगे देश बढ़े। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।